साहब, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अकील खान, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS के न्यूज चैनल में। दोस्तों, BTS आपका अपना न्यूज चैनल है। आप इस न्यूज चैनल के तहत अपने एरिया में होने वाली घटनाओं को देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स हमारे मोबाइल नंबर पर हमें व्हाट्सअप करने हैं, हम उन खबरों को देश के कोने कोने में आपके जरिए पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। आज रियासत तेलंगाना के हुजूराबाद हलके का जो नतीजा सामने आया है, वो TRS सरकार की नाव में एक बहुत बड़ा छेद पड़ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इस नाव में पानी भरेगा और ये नाव डूब जाएगी। आज TRS सरकार को अपने उन तमाम करतूतों का जायज़ा लेना चाहिए और उन वादों को याद करना चाहिए जो तेलंगाना के अवाम से KCR किए हैं, और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के साथ जो KCR का रवैया रहा है वो किसी से ढका छिपा नहीं है। और KCR की ये आदत रही है कि वो सिर्फ मौखती तौर पर चॉकलेट थमाकर बेवकूफ बनाने के हरबे को हमेशा कामयाबी का जामिन समझते आए हैं, लेकिन यही हरबा आज उनको ले डूबा है। आज TRS सरकार को जो धक्का लगा है, मैं समझता हूँ कि KCR की ये खुशफहमी थी और हद से ज़्यादा खुद एतमादी थी। उनको इस बात का एतमाद था कि ये सीट किसी हाल हमारी झोली में आएगी। इंसान जब खुशफहमी में मुब्तला होता है और जब किसी को हद से ज़्यादा खुद एतमादी होती है तो इन हालात में उसका दिमाग माउस हो जाता है और वो ऐसे काम करता है जो उसके लिए खुद नुकसानदार है। KCR ने हलके हुजूराबाद के दलित अवाम के लिए 15 लाख का ऐलान किया। अब ये जानने वाले जानते हैं कि कितनों के पास वो रकम आई। यानी झूठ बोलना, धोखा देना KCR की अहम फितरत है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ गद्दारी करना तो इनके जो ना रगे रग में समाया हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को ये नरसिम्हा राव का जो ना शागिर जो ना मानते हैं, नरसिम्हा राव को अपना गुरु मानते हैं। तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि जब इन्होंने नरसिम्हा राव को अपना गुरु मानते हुए और निकलिस रोड पर जो उनकी उसके नाम पर जो एक सड़क को एक रास्ते को मौसूम किया, तो उसी वक्त से हमको ये अंदाजा हो चुका था कि अब ये TRS सरकार की कश्ती डूबने वाली है और उसकी इब्तदा हो चुकी है। और KCR अपने सबसे ज़्यादा तेलंगाना की हुकूमत ने, KCR ने, TRS सरकार ने मुसलमानों की इमलाक को तबाह ताराज कर दिया है। क्या ये मुसलमानों की बदुआएँ खाली जाएंगी? क्या तुम अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हो? क्या ये नहीं समझते कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो कि उसके बंदों के साथ, हाँ, इंसानों के साथ तुम जुल्म ज़्यादती करोगे तो क्या तुम्हारी हुकूमत बरकरार रहेगी? ये तो ये एक जो है ना इनके लिए इब्तदा इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं कांग्रेस के लिए चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। हमारे रेवंत रेड्डी साहब बहुत बड़े बड़े मजमे को जमा किए, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस के सितम जरीसी ये है कि कांग्रेस का हर कायद अपने आप को राहुल गांधी, सोनिया गांधी समझता है और वो ज़मीनी सतह पर काम करना नहीं जानते। बस पब्लिक को जमा करने के बड़े खुश हो गए। क्या हुआ कांग्रेसियों, क्या हुआ रेवंत रेड्डी, कहाँ गई तुम्हारी कांग्रेस? हाँ, कहाँ गई? तुम्हारा जो है ना नामो निशान बाकी नहीं रहा। आखिर कब तक तुम जो है ना अपने आप को इस अहंकार में मुब्तला रखोगे? हाँ, कांग्रेसियों, क्या अभी भी तुमको तुम्हारे आँख नहीं खुल रहे हैं? तुम क्या अभी भी ज़मीनी सतह पर जो है ना काम नहीं करोगे तो फिर तुम जो है ना सफ़े हस्ती से मिट जाओगे। और याद रखो, जो माइनॉरिटी का साथ नहीं लेगा
वो कभी, और जो मुसलमानों का साथ नहीं लेगा वो कभी भी तेलंगाना में हुकूमत नहीं बना सकता। और केसीआर ने मुसलमानों को धोखे पर धोखे दिए हैं, धोखे पर धोखे दिए हैं, आज उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा। आज तेलंगाना के आवाम ने बतला दिया कि केसीआर तुम फर्राड हो, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे दिल में तेलंगाना के आवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, और बिलखसूस मुसलमानों के ताल्लुक से तुम्हारा नज़रिया तो तासुबाना नज़रिया है, तासुबाना रवैया रहा। क्या तुम ये भूल गए कि तुम जो धार्मिक हो के मंदिरों की पूजा करते हो, क्या मुसलमानों की इबादत गाह है क्या वो मुकाम नहीं रखती? तुम कितने मसाजिद को शहीद किए, आज उसका नतीजा है। ये मुसलमानों की, इमाम मौजूदों की बद्दुआएं हैं तुम्हारे साथ, और ये मसाजिद की शहादत जो तुम्हारे गर्दन पर है, ये तुम्हारे आखिरी दम तक ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। याद रखो, नरसिम्हा राव की नसर का जो हशर हुआ है, तुम्हारा भी वही होने वाला है। तुम्हारा खानदान भी गुमनामी में जो ना गर्क हो जाएगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। ये मसाजिद की शहादत इमाम मौजूदों की। और केसीआर अपने आप को बहुत धार्मिक जो ना बताते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि हवन पूजे से भगवान खुश होने वाला नहीं है, बल्कि मालिक जिसने पैदा किया है वो अल्लाह के बंदों को खुश करने में उसकी खुशी है। लेकिन केसीआर सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाकर अपने ख़ानदान को जो है ना तेलंगाना में मुसल्लत कर दिए। आज टीआरएस सरकार सिर्फ तीन जो ना सुतून पर जो ना कायम है कि बाप है, बेटी है, और फिर जो ना बेटा है, और ले दे के जो ना भांजा है। अब इससे हटके टीआरएस सरकार का कोई ऐसा सुतून नहीं है जिसके जिम्मे कोई जो है ना ठोस बुनियादी तौर पर काम छोड़ा गया है। अब ले दे के मुसलमानों को खुश करने के लिए दो कठपुतलियों को बिठा दिया गया, और ये दो भी कठपुतलियाँ जो अपने सिर्फ मालिक के वफादार होते हैं और मालिक के सामने दुम हिलाते हैं और अपनी जात वालों पर भोगते हैं, ये तमाम आवाम देख चुकी है। और ये मुसलमानों को इब्तदा से धोखा देते आ रहे हैं और मुसलमानों के इमलाक को तबाह और बर्बाद करते आ रहे हैं, और यही उसका नतीजा है कि आज टीआरएस सरकार को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। आज हम बीजेपी की कामयाबी से खुश नहीं हैं, बल्कि हमको खुशी इस बात की है कि केसीआर जो अब गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला थे, जो अहंकार का शिकार हो चुके थे, आज हुजूराबाद के अवाम ने उनको उनका मुकाम बतला दिया है। हत्ता के केसीआर ने रियासत के इमाम मौजूदों के साथ खिलवाड़ किया, और इनके हवाले ये कहते हैं कि इमाम मौजूदों को हदिया दिया जा रहा है। अरे भाई, हदिया क्यों दिया जा रहा? हमारी औकाफी इमलाक की आमदनी कहाँ जा रही है? केसीआर साहब क्या इसका जवाब दे सकते हैं? और हमको बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया गया, और दीगर हमारे भाइयों को पे स्केल पर उनको दिया जाता है, और हमको हदिये के नाम पर 5,000 रुपये, वो भी तीन तीन चार चार महीने रोक दिए जाते हैं। और फिर इनका हवाली अबुल मुनाफिक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ये धमकी देता है, ये कहता है कि ये केसीआर की मेहरबानी है, ये अबुल मुनाफिक की ज़िंदगी केसीआर की मेहरबानी है, होम मिनिस्टर की ज़िंदगी और कुर्सी केसीआर की मेहरबानी है, ये मुसलमानों के ऊपर केसीआर की कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि केसीआर तुम्हारा खानदान भी गुमनामी में जो ना गर्क हो जाएगा, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होगा। ये मसाजिद की शहादत, इमाम मौजूदों की बदुआएँ और वक्फ इमलाक की तबाही, ये तुम्हारी नाकामी का सबब बने हैं, नाकामी का सबब बने हैं। अब यहाँ से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है, अब तुम दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। और मैं कांग्रेस से कहता हूँ, ऐ कांग्रेसियों समझ जाओ, हर एक छोटा लीडर, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी लीडर हो, अपने आप को नेशनल लीडर तसव्वुर करता है। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है, अगर अब भी नहीं समझोगे ऐ कांग्रेसियों, तुम्हारी जो नाम और निशान ख़त्म होने वाला है। और फिर एक वक्त वो आएगा कि तमाम कांग्रेसी मुँह छुपा कर जो ना घिरेंगे। जलसे जुलूस में पब्लिक को जमा कर लेना, ये कोई तीर मारने का काम नहीं है।
जमीनी सतह पर तुम आज तक वक्फ के खिलाफ रेवंत रेड्डी तुमने आवाज नहीं उठाई। ए रेवंत रेड्डी, तुमने कभी इमाम मौजूदों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों के इमला की हिफाजत के लिए तुमने आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों की तालीम के लिए तुमने आवाज नहीं उठाया। और मुसलमानों के इमलाक को जो तबाह किया जा रहा है उसके खिलाफ तुमने आवाज नहीं उठाया। और कई ऐसे मौजूआत हैं कि कांग्रेसियों ने इसको पसे पूछ डाल दिया, तो आज तुमको भी जो है ना तुम्हारा मुकाम अवाम ने बतला दिया है। और फिर यही रवैया रहा तो फिर जो है ना तेलंगाना से कांग्रेस का भी सफाया होगा। और फिर ये हमारा केसीआर तो जो ना मुँह छुपाते हुए अपने फार्म हाउस में जो ना जा छुपेगा और इसके खानदान का कोई पुरसा निहाल नहीं होगा। ये जो है ना आज ये पैगाम है केसीआर की, जो है ना ये शिकस्त इस बात की जो ना अलामत है कि यहाँ से